मेष राशि, मानसिक तनाव पहले से कम होगा। अपने लक्ष्य पर आपको ध्यान देना होगा। अपने घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ रखें। शुभ रंग है आपके लिए सफेद। आज असहाय लोगों की मदद जरूर करें। वृषभ राशि, परिवार की समस्या थोड़ा बढ़ सकती है। मित्रता में विवाद से बचें। हस्ताक्षर करने से पहले, किसी भी कागज पर साइन करने से पहले आपको जरूर सोचना चाहिए। शुभ रंग है आपके लिए हरा। आज हरी फल सब्जियों का दान करिए तो सेहत अच्छी होगी। मिथुन राशि, व्यापारियों के लिए समय काफी शुभ है। पक्षियों को दाना आप जरूर डालिए। सभी रिश्तों का सम्मान करें। शुभ रंग है आपके लिए लाल। आज माथे पर केसर का तिलक जरूर करें। मित्रों, हमारे साथ कलकत्ता से रत्नेश जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भैया आपका। और इनका प्रश्न कि गुरुजी, नौकरी में प्रमोशन कब तक हो सकता है? क्या मुझे ये नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं? कोई उपाय भी बताएं। देखिए रत्नेश, आपको बता दूं कि वर्तमान समय में ग्रह स्थिति आपको फेवर नहीं कर पा रही। कन्या लग्न आपका है, सिंह आपकी राशि है। वर्तमान समय में राशि से आठवें घर में राहु का गोचर है। तो भाई, इस समय बदलाव तो अपने मन में लाइए नहीं, सोचिए भी नहीं। नौकरी नहीं बदलनी। आप नौकरी में अपने आप को बेहतर करने के लिए, प्रमोशन के लिए कुछ उपाय जरूर करें। पहला उपाय, 6:15 से 7:15 रत्ती तक का शुद्ध एक पन्ना पहन लीजिए। बुधवार को सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक अगर आप मौन रहें, मौन व्रत धारण करें, तो कुंडली का बुध मजबूत होगा, आपके लिए बेहतर होगा। और एक छोटा सा उपाय, अपने घर की उत्तर दिशा को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिएगा, साफ सुथरा रखिएगा। आइए मित्रों, बात करते हैं पहले उस महाउपाय की जो धन की समस्या को खत्म कर सकता है। अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे हम आग्नेय कोण बोलते हैं मित्रों, उस दिशा में आप शुद्ध घी का एक दीपक रखिए। ओम श्रीम नमः मंत्र का कम से कम 7 बार जाप करके इस दीपक को जला दीजिए। ये छोटा सा उपाय आज के दिन करके देखिए, यकीनन आपको धन का लाभ भी होगा और मन प्रसन्न रहेगा। आइए जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, अपने सहकर्मियों का सम्मान जरूर करें। बीमारियों पर खर्च पहले से कम होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग नारंगी। आज मीठे फलों का दान जरूर करें। सिंह राशि, परिवार में तनाव कम होगा। दोपहर बाद ही कोई कार्य करें तो बेहतर है। पैसा किसी को उधार ना दें। शुभ रंग नारंगी। आज शिवलिंग पर थोड़ी सी केसर जरूर चढ़ाएं। बात करते हैं कन्या राशि की। नौकरी में ट्रांसफर लेने से आपको लाभ हो सकता है। फिजूल खर्ची ना करिएगा। नया घर खरीदने का योग भी बना हुआ है। शुभ रंग कत्थई। आज गेहूं गुड़ का दान सर्वोत्तम रहेगा। आइए मित्रों, बात करते हैं दूसरे उस महाउपाय की जो नौकरी या व्यापार या फिर आजीविका की कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसको खत्म कर देता है। एक मुट्ठी साबुत चावल और एक मुट्ठी साबुत नाग केसर, दोनों को मिलाइए। प्रदोष काल में अपने दाएं हाथ से, यानी कि राइट हैंड से, शिवलिंग पर नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दीजिए। यह छोटा सा उपाय आपकी तमाम समस्याओं को खत्म करेगा। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, कर्ज की समस्या पहले से कम होगी। दोपहर तक समय अनुकूल नहीं। माता पिता के साथ समय बिताएं, उनका आशीर्वाद लें, उनके मन की बात को जानें। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज कच्चे दूध का दान जरूर करें। वृश्चिक राशि, सेहत की समस्या आज आपको परेशान अवश्य करेगी। सही समय पर आप अपने घर पहुंच जाएं। सारा दिन दौड़ भाग बनी रहेगी, सारा दिन स्ट्रेस रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए मरून। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। धनुराशि, सारा दिन आराम बना रहेगा। शाम तक मीठी वस्तु का दान करें। मित्र के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी। आज भगवान गणेश को थोड़ी सी दूर्वा जरूर चढ़ाइए। आइए मित्रों, बात करते हैं तीसरे उस महाउपाय की जो आपकी सेहत को अच्छा करेगा। देखिए, कभी कभी अचानक आपको हिचकी आ जाती होगी, तो अचानक आने वाली हिचकी को रोकने के लिए बहुत सरल उपाय है। एक छोटी सी अदरक ले लीजिए
अपने मुंह में थोड़ी देर के लिए रखिए, आपको लाभ अवश्य हो सकता है। आइए मित्रों जानते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशि पर। मकर राशि, अपनों से प्यार से बात करें, प्रेम पूर्वक बात करें, आज कर्ज बिल्कुल ना लें, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। शुभ रंग आसमानी, आज गाय की सेवा आपकी सेहत को अच्छा कर सकती है। कुंभ राशि, काम के बोझ के कारण आज आप व्यस्त रहेंगे, परिवार के लिए थोड़ा समय तो निकाल लीजिए, आज छोटी यात्रा आपको करनी पड़ेगी। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, आज हनुमान मंत्रों का जाप करिए, पूर्वी या दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके, यकीन मानिए आपका स्ट्रेस, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। मीन राशि, संबंधों में स्नेह बना रहेगा, दोपहर बाद आप कहीं घूमने जा सकते हैं, अपनों पर क्रोध या गुस्सा बिल्कुल ना करें। शुभ रंग आसमानी, आज फल सब्जी का दान कर दीजिए किसी जरूरतमंद महिला को, आशीर्वाद आपको मिलेगा ईश्वर का और आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। आइए मित्रों अब आपके साथ चौथा और अंतिम महोपाय साझा कर देता हूं, जो हर दुख परेशानी से आपको अवश्य बचाएगा। मित्रों सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लीजिए, ओम मंत्र का उच्चारण करिए और 1.25 किलो बाजरा अपने सर से 7 बार उल्टा वार कर रख लीजिए। जैसे ही सूर्य उदय हो आप पक्षियों को डालने चले जाइए। यह छोटा सा उपाय आज के दिन करके देखिए, यकीनन आप हर दुख परेशानी संकट से बचेंगे और हर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो मित्रों आज हमने आपको बताया कि होलाष्टक के दौरान क्यों शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्यों प्रकृति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और ये नकारात्मक ऊर्जा होली दहन के समय कैसे खत्म हो जाती है। तो भाई ऐसे में आपको कुछ उपाय जरूर कर लेने चाहिए, कम से कम इन 7 दिनों में हर नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए। ये छोटे छोटे महा उपाय अपने मित्र सखा रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि उनके साथ भी कोई परेशानी बिल्कुल ना हो। तो मित्रों आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।